लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी राजदूतावास के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा और संरक्षण अमेरिकी सरकार का बुनियादी दायित्व है। ये भी कहा गया कि इस मामले में ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वॉशिंगटन में भारतीय राजदूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग को भारत की इन्हीं चिंताओं से अवगत कराया और अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा। सैन फ्रांसिस्को में कल चरमपंथी समर्थकों के एक उग्र समूह ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास के भवन पर हमला किया और तोड़फोड़ भी की। उधर लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और इमारत की पहली मंजिल से तिरंगा उतारने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भारत की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराए जाने के बाद अमेरिका ने भी सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनयिकों की सुरक्षा करने का वादा भी दोहराया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास में की गई तोड़फोड़ बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा मामले की ठीक से जांच करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रही है।